खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NHICS MPPSC में। हम लोग देख रहे हैं रिवीजन सीरीज और इसमें आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। तो आइए देखते हैं हम आज के इस टॉपिक में रिवीजन पॉइंट्स। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः तीन नामों का प्रयोग किया जाता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी का पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंध सभ्यता का नाम दिया था। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की तिथियों का निर्धारण किया है, लेकिन सर्वाधिक मान्य तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र आदि में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकानगेड़ और बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम चार प्रजातियां थी, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड शामिल थे। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता को निर्माता के रूप में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना, गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर ने सुमेरियन लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना तथा राखल दास बनर्जी ने द्रविड़ लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना। सिंधु सभ्यता के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन तथा अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वाधिक जानकारी 1926 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मॉन्टगोमरी संपत्ति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। वर्ष 1921 और 33-34 में माधव स्वरूप बत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ के छह कक्षों की दो पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है।
आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि माउंट एबी संबंधित है तो आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता से। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का या घोड़ा गाड़ी, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध सभ्यता के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया गया था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य विशाल इमारत थी अन्नागार, जो 45 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 × 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन मिला। संभवतः यह पुरोहित वास था, जहां पर पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उनकी सड़कें थीं। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया। ये सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटने के नाम को या विधि को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रत्न नारी की मूर्ति, पुजारी या योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चहुंदड़ो नामक स्थान अवस्थित है, जिसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके द्वारा भी किया गया। यहाँ पर सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर झाकर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था, जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखारे बनाने का काम होता था। मैकेने को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि मनकी बनाने का कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ, तो उसका उत्तर होगा चहुंदड़ो। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चहुंदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहां किसी दुर्ग का अवशेष हमें प्राप्त नहीं होता है। अब हम बात करते हैं लोथल की। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है।
यहां से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए प्राप्त होते हैं। लोथल की प्रमुख विशेषता यहाँ का डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं चावल की और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियां। तो लोथल में सबसे जरूरी क्या है कि लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। लोथल एक बंदरगाह था अर्थात एक डॉक यार्ड भी था ये। अब हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमरानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं बी के थापर ने उत्खनन आरंभ किया और यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी टीले को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ पाया। कालीबंगा पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हुए प्राप्त होते हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जिनकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले प्राप्त होते हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम का नाम दिया जाता है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्ग था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी हुई थी। यहाँ से सील खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभांड के टुकड़े प्राप्त होते हैं। धौलावीरा की बात अब हम करेंगे। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान आरएस विष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर तथा निचले नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय प्राप्त होता है तथा यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी प्राप्त होता है। तो धौलावीरा में आपको याद रखना है, यह गुजरात में है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की और यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं सुरकोटदा की। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं दैमाबाद की। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं और यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अब हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953-54 में यज्ञ दत्त शर्मा ने की थी। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ
पालतू कुत्ता को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। रंगपुर के बारे में हम देखें तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। अब हम बात करते हैं आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ खुदाई में कुछ मृदभांड और मनके प्राप्त हुए हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां भी प्राप्त होती हैं। हुलास क्षेत्र की यदि हम बात करें तो हुलास क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, यहाँ से कचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर भी हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करें सुतकांगेर की, तो सुतकांगेर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राचीन चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित वाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतकांगेडोह सुतकांगेंडोर के पूर्व में स्थित है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे स्थल सुतकांगेकोह की। सुतकांगेकोह सुतकांगेडोर से पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स के द्वारा की गई थी। यहाँ से दो टीले प्राप्त हुए हैं जिनके आकार सुतकांगेडेर जैसे ही हैं। अब हम बात करते हैं बालाकोट। बालाकोट बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी तथा भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा की हम बात करते हैं तो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। वर्ष 1974-77 में आरएस विश्व द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया। यहाँ से संस्कृति के तीन स्तर प्रकाश में आए हैं, जैसे प्राक सैंधव, विक्स सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं, मतलब स्टार शेप में उसे बांटती हैं। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द और कार्लिनियन के मन के, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाणाग्र आदि के साक्ष्य भी मिलते हैं। भगवानपुरा की बात करें यदि हम, तो भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जेपी जोशी के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। यहाँ पर प्रमुख रूप से सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें मांडा की, तो मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा कराया गया था। उत्खनन से यहाँ पर तीन सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए, जिनमें प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव शामिल हैं। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले वाणाग्र, चर्ट ब्लेड, कांस निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सनौली की, तो सनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। समाधानों की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। मिस्र सभ्यता की हम बात करें तो मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है।
मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता के रूप में माने जाते हैं। सैंधव सभ्यता के गुणों की हम बात करें तो खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठाहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण वहां के लोगों के द्वारा पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मार्ग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं जो कि हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सैंधव काल में पांसा एक प्रमुख खेल के रूप में दृष्टिगत होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न को हम देखें तो गेहूं और जौ प्राप्त होता है। रंगपुर से हमें धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिलते हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट भी हमें प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों के द्वारा ही कपास की खेती प्रारंभ की गई थी। भारत से कपास यूनान गई जिसे यूनानी सिंडन के नाम से पुकारते थे। माफ करिएगा, भारत से कपास यूनान गई जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू मानी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म भी प्राप्त होते हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष भी हमें मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के दो उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़े प्राप्त हुए हैं। लोथल तथा चहुंदड़ो में मन के बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। आपको ध्यान देना है, लोथल एवं बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम आगे बात करें तो सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पर क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के द्वारा संचालित किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पड़ले मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे जबकि कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी प्राप्त हुए हैं। सारगोन युगेन सुमेरियन लेख से हमें ज्ञात होता है कि मिलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मिलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से ही की गई है जबकि दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से होता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त कृष्णमूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंड़दार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में दो सिर सहित मानव मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुक्ष या लोस्ट वैक्स जिसे बोलते हैं उससे बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चहुंदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखित हैं। मृण मूर्तियों में पुरुषों, स्त्रियों तथा पशु पक्षियों की प्राप्ति हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की ही मिलती हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियों की हम बात करें तो पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां सर्वाधिक मात्रा में पाई गई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरे सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कंजली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरे भी हैं। अधिकांश मोहरे वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरे घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार हैं।
सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का मिलता है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का भी अंकन इनमें प्राप्त होता है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहन जोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाई और बाघ और हाथी तथा बाई और गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर दो हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके तीन मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से उस पर चित्र बनाए गए। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन मिलता है। सैंधव मृदभांडों में वर्तमान कटोरे, तस्तरियां एवं थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आयरिस की पूजा किया करते थे। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना भी करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शब्द अपनाने की प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, किंतु कुछ अपवाद भी इसके मिलते हैं। कालीबंगा में शब्द दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा से प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण की यदि हम बात करें तो इसके उदाहरण बहावलपुर से प्राप्त होते हैं। अब हम कुछ टेबलों को देख लेते हैं। जैसे पहला है, सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों का मत क्या है। तो विनाश का कारण बाढ़ किन इतिहासकारों ने माना है, तो मार्शल मैके एस आर राव ने कहा कि सैंधव सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ने सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। आगे देखें, आरएल स्टीन और अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ है, जबकि एम आर साहनी, एस टी लैम्ब्रिक, जे एफ डेल्स के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण रहा है। के यू आर कैनेडी ने महामारी, जबकि एम त्रिवेदेव ने अदृश्य घाज को सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण माना है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख धातुओं और उनके प्राप्ति स्थलों को। जैसे तांबा कहाँ से मिला है, तो तांबा खेतरी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से मिला। लाजवर्द बदख्खा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। फिरोजा और टिन ईरान से मिले। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से और अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त हुई। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से मिला। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से प्राप्त हुआ। तो ये कुछ प्रमुख धातुएं थी और उनके प्राप्ति स्थल थे। अब हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल और वह किस नदी के किनारे अवस्थित थे उनके बारे में। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगेंडोर दास नदी के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। तो इस तरीके से हमने अपना सिंधु सभ्यता का जो टॉपिक था, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का रिवीजन किया है। मैंने कोशिश की है कि आराम से उन चीज़ों को मैं बताता हुआ चलूं जो कि रिवीजन के पॉइंट से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपके कुछ भी सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए, अच्छा है, जल्दी ही हम अगले वीडियो के साथ आपके सामने आते हैं, ओनली ऑडियो रिवीजन सीरीज को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्यों? क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद।